जय हिंद प्यारे बच्चों, आज हम आप लोग सामने हुंड्स रूल और अबाउ प्रिंसिपल पे चर्चा करेंगे। यहाँ हुंड्स रूल की बात की जाएगी कि हुंड्स रूल में इलेक्ट्रॉन का भराव किस बेस पे कैसे होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का भराव अयुग्मित पहले होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे, क्रम से भरे जाएंगे। और अबाउ रूल की जब बात की जाएगी उसमें इलेक्ट्रॉन का भराव निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा के स्तर तक भरे जाएंगे। इस आधार पर हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं हुंड्स रूल, यानी हुंड का नियम। हुंड का ध्यान दीजिएगा, इस नियम को 1925 में एफ हुंड फ्रेडरिक हुंड नाम के वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। इस नियम को 1925 में फ्रेडरिक हुंड नाम के वैज्ञानिक ने इसे प्रस्तुत किया था। उन्होंने कहा क्या, अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल जहाँ तक संभव होता है ऑर्बिटलों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है। हुंड्स रूल क्या कहता है, जहाँ तक संभव होता है ऑर्बिटलों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है और उनके चक्रण जो होते हैं वो समदिश होते हैं। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन एक एक करके तो भरे जाएंगे और उनकी स्पिन यानी उनके चक्रण जो होंगे वो समान दिशा में होंगे। इस चीज़ को समझिएगा, as soon as possible the number of electrons in any orbitals are unpaired and its spins are in same direction। जहाँ तक संभव होता है कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होगी व उनके चक्रण समदिश होते हैं। पुनः इलेक्ट्रॉनों का भराव जब किया जाता है उन्हीं कक्षकों में तो फिर इलेक्ट्रॉन इन अपोजिट स्पिन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उनमें भरे जाते हैं। जैसे कहने का मतलब क्या है, उदाहरण समझिएगा, नाइट्रोजन 7 की बात कर लें, 1s2 2s2 2p3। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन आपका पहले जो कक्षक होंगे एक एक करके तो भरे जाएंगे, उसके बाद के इलेक्ट्रॉन होंगे वो अपोजिट स्पिन। जैसे 1s2 में अब इलेक्ट्रॉन पहले आपका क्लॉकवाइज और फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉक, इसी प्रकार 2s2 में इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉक और 2p3 में इलेक्ट्रॉन के साथ इस प्रकार भर जाएंगे। वही आप एग्जांपल ले लीजिए नियान 10, तो यहाँ आपका 1s2 2s2 और 2p6। अब यहाँ 2p6 में इलेक्ट्रॉन पहले तो जहाँ तक संभव होगा इलेक्ट्रॉन क्या होंगे एक एक करके क्लॉकवाइज तो भरे जाएंगे और 2p6 में फिर अगले 3 इलेक्ट्रॉन होंगे वो एंटी क्लॉक डायरेक्शन में भर जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन में इसलिए नहीं होंगे, पहले तो ये जानते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ अपोजिट स्पिन में होंगे, हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे जिनका स्पिन क्या होगा सेम होगा, जो दूसरे इलेक्ट्रॉन भरे आएंगे उनकी स्पिन अपोजिट हो जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पे समान आवेश होता है और समान आवेश होने के कारण उसमें प्रतिकर्षण देखने को मिलेगा।
और यहाँ इसीलिए एक की स्पीड क्लॉकवाइज और एक की स्पीड एंटी क्लॉकवाइज होगी। गुंड का नियम यही कहता है कि जहां तक पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो एक एक करके भरे जाएंगे और फिर उनके इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होती है। एज सून एज पॉसिबल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिटल्स आर अनपेयर्ड एंड इट्स स्पिन्स आर इन सेम डायरेक्शन। जहां तक संभव होता है कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होगी और उनके क्षेत्रफल समदिश होते हैं। ये हुंड का नियम है जिसकी प्रस्तुति एफ हुंड नामक वैज्ञानिक ने 1925 वोल्फगैंग हुंड ने 1925 में दिया था। दूसरी हम बात करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप बाउट में, दूसरी हम बात करने जा रहे हैं आप बाउट प्रिंसिपल। ध्यान दीजिएगा अबाउ प्रिंसिपल की बात करते हैं। अबाउ किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है, यह एक जर्मन भाषा का शब्द है। अबाउ क्या है? एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है रचना या निर्माण करना, रचना या निर्माण करना। अबाउ एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है रचना या निर्माण करना। अब हम बात करते हैं रचना या निर्माण करना। अबाउ इज ए जर्मन वर्ड विच मीन्स द कंस्ट्रक्ट आर बिल्डिंग, होते हैं आप बाउ इज ए जर्मन वर्ड विच मीन्स कंस्ट्रक्ट आर बिल्डिंग अप, जिसका अर्थ होता है रचना या निर्माण। इस नियम के अनुसार ही इलेक्ट्रॉनों का भराव निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा के तरफ होता है। इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन का भराव निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा स्तर के तरफ होता है। इलेक्ट्रॉन फिल्स फर्स्ट इन लोअर एनर्जी लेवल ऑर्बिटल देन इलेक्ट्रॉन फिल फर्स्ट लोअर एनर्जी लेवल ऑर्बिटल देन इन हायर, जैसे एग्जाम्पल भी मुझे देख लीजिए। हम जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेते हैं, यहीं आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ले लीजिए कि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 24 या कापर हम 29 जब करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d, 3d4, 4s2 न लिख करके, ये आपका गलत होता है कंफ्यूजन, न लिख करके हम लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 4s1 और 3d5। यहाँ यस में इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा और डी में इलेक्ट्रॉन बाद में भरा जाएगा, क्योंकि 4s की एनर्जी लेवल जो होगी 3d से जो होगी वो
कब होगी ये निर्भर करता है यन प्लस यल रूल के आधार पर, यन प्लस यल रूल के आधार पर। यहाँ आप देख सकते हैं 3D के लिए यन प्लस यल का मान 5 होगा और 4S के लिए यन प्लस यल का मान 4 होगा। 4 की एनर्जी 3D5 यन यल रूल से, 4S की एनर्जी 3D से कम होगी, इसलिए इलेक्ट्रॉन 4S के पहले एक भरा जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन D में जाता है। इसी प्रकार कॉपर का करते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d9, 4s2, 9 हो करके इसका इलेक्ट्रॉन कंफ्यूजन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p6, 4s2 4s1 और 3d10 होता है, जो सही है। रूल ये भी कहता है या तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में आधे भरे हों या तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में फुल फील्ड हो, कंप्लीटली भरे हों, इसलिए 3d9 ना होकर के 3d10 होता है और 4s2 ना होकर के 4s1 होता है, ये 3d4 ना होकर के 3d5 होगा। ये हाफ फील्ड और ये फुल फील्ड कंडीशन इसके अस्थायित्व को बढ़ा देता है, यही रूल यल प्लस यल रूल और उसके साथ साथ कुंड के रूल को भी फॉलो करता है। हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने मूलर डायग्राम और यल प्लस यल रूल पे हम चर्चा करेंगे। और ध्यान दीजिएगा अबाउ रूल और हुंड रूल मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया, इसमें बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट मैंने आपको रखा कि हुंड रूल क्या है। जहां तक संभव होगा ऑर्बिटलों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होगी, वो उनके चक्रण सदिश होंगे, फिर इलेक्ट्रॉन जब बढ़ते हैं तो अपोजिट दिशा में भरे जाएंगे और उनके इलेक्ट्रॉन उनके जो चक्रण होंगे वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होंगे। फिर आप बाउ प्रिंसिपल की बात की, मैंने कहा आप बाउ प्रिंसिपल के बारे में ये भी ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में सबसे पहले 1920 में नील्स बोर, ये ध्यान दीजिएगा इसके बारे में सबसे पहले 1920 में नील्स बोर व डब्ल्यू पाउली ने बताया था, ध्यान दीजिएगा इसके बारे में 1920 में नील्स बोर व डब्ल्यू बोर कैन पाउली नामक वैज्ञानिक ने बताया था। और यह एक जर्मन भाषा का शब्द है जो इलेक्ट्रॉनों के भराव को बताता है, जहां इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा स्तर की तरफ भरे जाते हैं। ये आपका अबाउ रूल और ये आपका हुंड रूल मैंने आपके सामने आसान शब्दों में प्रस्तुत किया। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। और इस वीडियो को देखने वाले हमारे प्रिय भाइयों बहनों से निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।